वोल्ट की बैटरी है, 2 एम्पियर करंट आ रहा है, रेजिस्टेंस आर है, 6 वोल्ट, पॉइंट बी पॉइंट ए, रेजिस्टेंस 15 ओम, ये आपका 5 ओम, 5 ओम, थर्टी ओम, 5 5 30 15, निकालना क्या था आपको? कैलकुलेट आर एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए बी। टू एम्पियर का शायद 0.2 था, 0.2 था क्या? रुको रुको रुको, सब्र करो, 0.2 ही मान लो इसको, शायद 2 मान के कल शाम वाले क्लास में आंसर नहीं आ रहा था, तो 0.2 मान लो। अब निकालें क्या करना है इसमें, आप देखें आपको निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस दिस एंड दिस रेजिस्टेंस आर। तो ये जो 3 बागड़ बिल्ले साइड है इनका कोई काम नहीं है, इनको जोड़ देंगे, सीरीज में है, 5 और 5 10, 10 और 30 पैरेलल में हो जाएंगे, कितना आ जाएगा? हाँ जी 15/2। तो डायग्राम इक्विवेलेंट इन सबको हटा के मैं यहाँ पे एक 15/2 ओम लगा दूँ, इसको हटा दूँ, ये हटा दिया, आपका करंट 0.2 ओम है, अब 2 एम्पियर है, ये वाला ही करंट यहाँ से जाएगा, तो यहाँ भी 0.2 एम्पियर रहेगा, दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, लेट से I1 एंड I2, I1 I2 में डिवाइड हो गया, क्या इन दोनों पॉइंट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा? सेम रहेगा। अच्छा एक बात बताओ, क्या इन दोनों को भी जोड़ सकते हैं क्या, क्योंकि इसका कोई काम नहीं है, हमें तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है इसके अक्रॉस, है ना, तो हमें अगर दोनों को जोड़ दे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो जोड़ दो बेटर रहेगा, बल्कि आपका पैरेलल में है 1/15, 2/15, 1/R इक्विवेलेंट, 1/R इक्विवेलेंट कितना रहेगा? 3/15, तो R इक्विवेलेंट इज 5, तो आप सिंपली और आसान हो गया है, तो सारे को आप पांच ओम कर दिया आपने। अब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस विल बी दिस करंट इनटू रेजिस्टेंस आई आर 5 × 2/10, कितना होगा? 1 या 1 एम्पीयर आंसर ना, 1 वोल्ट आंसर, तो पोटेंशियल डिफरेंस इज 1 वोल्ट। आपको आर निकालना था, ये वाला 10 ओम, इसके बाद आप क्या लगाएंगे? लूप रूल लगा देंगे, लेट से मैं इस पॉइंट से स्टार्ट कर रहा हूँ और चल रहा हूँ, तो यहाँ स्टार्ट किया तो पोटेंशियल ड्रॉप होगा कितना? I into R, I 2/10 है, R आपको पता नहीं है, माइनस हो गए, उसके बाद यहाँ से यहाँ प्लस के माइनस, कितना? -2, यहाँ से यहाँ बताएं यार फटाफट, -IR 2/10 × 10 +6 और हम -I × R, हाँ 1 हो जाएगा वो, =0। R निकाल लें, +6, यहाँ पे बैटरी नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहे हैं, यहाँ स्टार्ट किया -IR, बैटरी पॉजिटिव नेगेटिव, तो -2, ठीक है, R निकाल लें, बताएं कचिर कितना आएगा?
फाइव आया क्या? हाँ जी फाइव, तो आर आर आपका है फाइव ओम। आगे बढ़े, अगला सवाल आपका देख ले। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, एक तार आपने ऐसे जोड़ी है, एक तार ऐसे जोड़ी है, रेजिस्टेंस आर आर आर। आपको निकालना है, अगर ऐसा सर्किट आपको गिवन हो तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा? सी बाय आर, आर बाय सी। कैसे? पैरेलल में। कैसे पता लगा? सब लोग ट्राई कर ले, मैं बताता हूँ उसको। मैं इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा ये निकालना है। हो रहा है? हो गया। आर वाई थ्री आ रहा है, बताओ ना मैं कैसे किया। नहीं, ये पैरेलल में है कैसे, ये पहले बताओ कैसे पता लगा पैरेलल में है ये। देखो भाई, ये एंड ए है, अगर कंपोनेंट नहीं है तो पोटेंशियल सेम रहता है, तो क्या ये वाले एंड को भी मैं ए बोल सकता हूँ? पोटेंशियल सेम है ना, सेम। ये वाला एंड आपका बी है, क्या इसको भी बी बोल सकता हूँ? तो आपका ये वाला रेजिस्टर ए और बी के बीच में है, ये वाला भी ए और बी के बीच में है, और ये वाला भी ए और बी के बीच में है, तीनों आपके सेम पॉइंट्स के बीच में कनेक्टेड हैं, तो दिस इज इक्विवेलेंट टू थ्री रजिस्टर्स इन सीरीज। तीन रजिस्टर आपके सीरीज में लगे हों, ऐसा आपका आर इक्विवेलेंट बन जाएगा, तो वो आर बाय थ्री आएगा। ये फेमस टाइप सर्किट है, कई बार ऐसा आएगा तो आपको याद ही करना है। बेसिकली एक बार कर लिया तो अब समझ में आ गया, अब याद करना है। नेक्स्ट, आपके क्यूब्स की सारी साइड्स पर इक्वल रेजिस्टेंस लगे हुए हैं और आपने इसको किया है टू डायगोनली अपोजिट पॉइंट्स के बीच में। यहाँ पे एक बैटरी लगेगी और करंट फ्लो करेगा, आपको पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट सर्किट पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा। करेंगे ट्राई एक बार। Thank you.
जैसे आपका मन करे वैसे करें। आ गया? देखते हैं, देखिए काफी इंटरेस्टिंग है, एक बार देख लें। एक बात बताएं, अगर जब बैटरी कनेक्ट करेंगे और यहां से करंट आई चला, उसके आगे तीन रास्ते हैं, एक ये और एक ये। क्या कोई भी ऐसा विशेष कारण है कि इसके अंदर करंट ज्यादा जाए और इसके अंदर कम जाए? ड्यू टू सिमेट्री तीनों के अंदर करंट सेम जाएगा, मानते हो ये बात? क्योंकि अगर आपको लगता है कि इसके अंदर ज्यादा जाएगा तो आप क्यूब को घुमा लो तो दूसरा यहाँ पे आ जाएगा, सबके अंदर सेम जाएगा। सबके अंदर सेम गया तो पोटेंशियल, मान लो कि आई बाई थ्री गया, फिर ये आई है ना, तो आई बाई थ्री गया, आई बाई थ्री विल बी पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस। तो ये पॉइंट वन था, ये पॉइंट टू हो गया, ये वाला पॉइंट भी सेम पोटेंशियल में रहेगा, यहाँ भी रहेगा और यहाँ भी आपका सेकेंड पॉइंट आ जाएगा। तो क्या ये तीनों पॉइंट पैरेलल में है, तीनों रेजिस्टर पैरेलल में है? पैरेलल में है, ठीक है। अगला देखते हैं, जितना यहाँ पे करंट गया है वहां पे उन तीनों के थ्रू वापस आके उतना ही आई हो जाएगा, तो यहां से भी आपका कितना आ रहा होगा, आई बाई थ्री, आई बाई थ्री आ रहा होगा। इस पॉइंट पे जो भी पोटेंशियल रहा हो आई बाई थ्री इंटू आर करेंगे तो यहां पे पोटेंशियल, यहां मान लो पोटेंशियल आपका फोर पॉइंट मान लिया, इसको मैंने फोर्थ थर्ड मान लो या तो थ्री मान लिया, तो ये पॉइंट फोर मान लिया तो ये भी फोर होगा और ये भी फोर होगा। सर्कल कर रहा हूं मैं उनको, ये वन है, ये टू था, ये टू था, इस पॉइंट को थ्री माना, ये पॉइंट फोर, फोर और फोर। पहले पॉइंट्स मार्क किए हैं जिन पे सेम नंबरिंग करी है वो सेम पोटेंशियल पे हैं। इतना समझ में आ गया? सक्षम नहीं आया? आ गया। तो पहले तीन आपके पैरेलल में आपको पता है, आखिरी वाले तीन थ्री और फोर, थ्री और फोर, थ्री और फोर, तीनों पैरेलल में है। बचते कितने? छह बज गए, छह बज गए, बारह है ना टोटल, आपके क्यूब के बारह साइड होंगे, देखो आप, तो छह बज गए। कौन से बच गए? ये वाला किसके बीच में है? टू और फोर के। ये वाला टू और फोर के। फिर आपका कौन सा बच गया? ये हो गया, ये बच गया, ये वाला देखो फोर और टू के बीच में, और कौन सा है? ये वाला नहीं, ये वाला तो हाँ टू और फोर के बीच में ये भी है। एक दो तीन चार हो गए, चारों ढूंढो। ये टू और फोर और हाँ जी ये हाँ टू और फोर। तो बीच वाले छह के छह जो हैं वो टू और फोर के बीच में कनेक्टेड है, इसका सारे पैरेलल में है। तो कैसा बन गया ये? पहले आप पॉइंट ए बनाएंगे, ए के साथ में तीन पैरेलल में, फिर आपके एक दो तीन चार पांच और फिर आपके तीन, तीन पैरेलल में ये पॉइंट बन गया आपका बी। तीनों पैरेलल में है तो कितना हो जाएगा रेजिस्टेंस इन तीनों का? आर बाय थ्री इनका, आर बाय सिक्स इनका, आर बाय थ्री, तीनों सीरीज में हो गए, डायरेक्टली जोड़ दे, बताए कितना आंसर आएगा?
हाँ जी बेटा, 5 r by 6, 2 2, हाँ ठीक, आंसर इज 5 r by 6। उसे नोट कर लिया, क्या करें? ये वाला भी सेम होएगा ना, ये वाला सेम रहेगा, ये सारे पॉइंट्स कनेक्ट होंगे, पर आपने थोड़ा सा गड़बड़ किया है। नहीं, ये वाला भी इससे कनेक्ट होगा, वो सारे ये सारे के सारे यहाँ चिपका दो। अच्छा, यहाँ चिपका दो, बराबर सही है। नहीं, इसका ये तो नहीं इक्विवेलेंट होगा। हाँ नहीं नहीं, इसमें ये इसलिए नहीं है क्योंकि आपको कैसे पता कि ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट सेम पोटेंशियल पे, ज्वाइन कर दो अगर सेम पे तो। नहीं समझ में आपको, पूछे कहाँ नहीं आए, वहाँ बोर्ड पे पूछे। यशस्वी आगे बढ़े या बताना है कुछ? आगे बढ़े, नोट कर लिया सबने? अब ये जो आपके मैंने कल कहा था, कुछ किसी भी रेफरेंस बुक से 5-7 सवाल ट्राई कर लेना, तब कंफर्टेबल होगे, तो आप कर लेना अपने लेवल पे। आगे बढ़ रहे हैं, नेक्स्ट टॉपिक इज वीट्स ऑन ब्रिज। वीट्स ऑन साइंटिस्ट का नाम है और ब्रिज जैसा ये सर्किट दिखता है, इसलिए इसको व्हीटस्टोन ब्रिज बोला गया है। R1, R2, R3, R4, और यहाँ पे एक गैल्वेनोमीटर अटैच है। यह आपकी बैटरी है, उसका पोटेंशियल डिफरेंस कुछ भी दी मान लें आप, चार रेजिस्टेंस R1, R2, R3, R4 इस तरीके से लगे हुए हैं। ये एक ब्रिज टाइप दिख रहा है हल्का हल्का, इसलिए इसको नाम बोल दिया व्हीटस्टोन का ब्रिज है, जिस साइंटिस्ट ने ये डिजाइन किया था। बीच में गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है। गैल्वेनोमीटर क्या होता है कसी का? हाँ, इवन स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट को डिटेक्ट करने का डिवाइस है। अगर करंट इस वायर से फ्लो करेगा तो मीटर की निडल घूमेगी। व्हीटस्टोन ब्रिज में आपके रेजिस्टेंसेस को जानबूझ के ऐसा हमने लिया है कि
आपका करंट इस बीच वाली वायर से न फ्लो करे। रिपीट कर रहा हूं, आपने रेजिस्टेंसेस की वैल्यू ऐसे ली है कि इसके थ्रू करंट ना फ्लो करे। तो नेक्स्ट से यहां पे आपका करंट गया I, आगे जाके दो में डिवाइड हो जाएगा। इसमें मान लिया मैंने I1 और इसमें मान लिया I2। अगर गैल्वेनोमीटर में इस वायर में करंट नहीं जा रहा तो ये I1 सारे का सारा इस साइड जाएगा, और इसके अंदर भी नहीं जा रहा तो यहाँ भी सीधा I2 आगे चला जाएगा। तो आप साइड में लिख लें कि करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर इज जीरो इन व्हीटन ब्रिज। अगर इसके अंदर करंट जा रहा होगा तो हम उसको व्हीटन ब्रिज नहीं बोलेंगे, वो बैलेंस नहीं है आपका, ठीक है। अब यहां पे ये देखना है कि इनमें क्या रिलेशन हो R1, R2, R3, R4 में कि इसके थ्रू करंट ना जाए, या फिर करंट नहीं जा रहा है तो क्या रिलेशन होगा। अगर इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाए तो क्या करंट फ्लो करेगा। दो पॉइंट के बीच में अगर वी जीरो है, आप मान लें कि इसका रेजिस्टेंस कुछ है, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कुछ भी है, अगर इसकी अक्रॉस वी जीरो है तो आपको पता है आई इक्वल टू बी अपॉन आर होता है। अगर इस पॉइंट और इस पॉइंट, पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाए तो करंट थ्रू दिस विल बी जीरो। तो आप बोलेंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी इज जीरो। आप मान लें कि इस पॉइंट पे कुछ तो पोटेंशियल है, V मान लें। जब आप आगे जाएंगे यहां से यहां जाएंगे तो क्या आपका पोटेंशियल ड्रॉप होगा। अगर करंट यहां जा रहा है तो ड्रॉप होगा, कितना ड्रॉप होगा। तो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस R1 विल बी इक्वल टू पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस R2 टू मेक A एंड B इक्विपोटेंशियल, है ना। तो आप ये पॉइंट लिख लो, क्या पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस R1 एंड R2 will be same, potential drop across R1 and R2 will be same to make points A and B equipotential। A और B को equipotential बनाने के लिए आपका potential drop बराबर रहेगा। तो मैं लिख सकता हूँ I1 R1 इक्वल टू I2 R2, हाँ जी ठीक है। यहां आपने मान लिया V1, और यहां मान रहा हूं मैं, या V, हाँ V1 मान लो, इस पॉइंट पे मान रहा हूं V2। बीच वाले दोनों पॉइंट्स पे अगर पोटेंशियल आपने सेम मान लिया, V और V मान लिया, इसको आप नीचे वाले को लिख दो EMF E। अगर ये दोनों V हैं और ये V2 है तो क्या R3 और R4 के अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा। yeah. सेम रहेगा। तो आप लिख लो सिमिलरली पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस R3 एंड R4 विल ऑल्सो बी सेम। पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस R3 एंड R4 विल ऑल्सो बी सेम। सेम रहेगा आपका। तो मैं लिख सकता हूं यहां पे I1 R3 टू I2 R4, इक्वेशन नंबर 2। ये ड्रॉप कितना हुआ I1 R3, ये ड्रॉप I2 R4। देख लें आराम से, ये ड्रॉप कितना हुआ I1 इंटू R3, ये ड्रॉप I2 इंटू R4। पहली इक्वेशन से यदि मैं I1 by I2 निकालूं, I1 by I2 will be equal to R2 by R1, और यहां से भी I1 by I2
ये हो जाएगा आर फोर बाई, ठीक लिखा है। अब दोनों की लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, आई वन बाई आई टू, आई वन बाई आई टू इक्वेट कर सकता हूँ। ये क्वेश्चन आप थ्री बोल दो, ये फोर बोल दो, राइट लेफ्ट हैंड साइड दोनों के बराबर है, राइट हैंड साइड भी बराबर होंगी फ्रॉम थ्री एंड फोर, फ्रॉम इक्वेशन थ्री एंड फोर आर टू बाई आर वन इक्वल टू आर फोर बाई आर थ्री। जैसे मैं थोड़ा सा मैनिपुलेट करूं तो आर वन बाई आर टू इक्वल टू आर थ्री बाई आर फोर। अगर आपके R1 R2 का रेशो R3 और R4 के रेशो के बराबर हुआ तो बीच वाले पार्ट से करंट नहीं जाएगा। ये कहां काम आएगा लिख लें एक बार, फोर ओम, थ्री ओम, सिक्स ओम और वन ओम। व्हाट विल बी आर इक्विवेलेंट? आपको ये पांच रेजिस्टेंसेस ऐसे अरेंज हैं, आपको बताना है कि आर इक्विवेलेंट कितना होगा। जो यहां पे हमने किया है उसी का इस्तेमाल करना है। आपको नहीं, आपको सोचना है कि सीरीज में होगा कि नहीं होगा। देखो देखो यहाँ पे ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ये R4 है। क्या R1 by R2 equal to R3 by R4 है? अगर है तो ये दोनों पॉइंट ये वाला और ये वाला सेम पोटेंशियल पे होंगे। हमने ऐसे डिराइव तो किया है ये कि उनको सेम पोटेंशियल पे मान गई तो करंट नहीं आया उसके अंदर। अगर ये सेम पोटेंशियल पे है तो इसके थ्रू करंट नहीं जाएगा, इसके थ्रू करंट नहीं जाएगा तो इसको हटा देंगे। क्या बन जाएगा आपका? हाँ ये आपका आ गया सीरीज में हो जाएंगे ऊपर वाले दो तीन पाँच और ये छः चार दस, पाँच और दस फिर पैरेलल में है जो थ्री बाई टेन, टेन बाई थ्री मुझे तो आर पूछना है ना। हाँ वो गलती बार बार होती है इसलिए इसको ठीक करो। हो गया 10 बाई थ्री आ रहा है, 10 बाई थ्री ओम आपने बताया। आगे बढ़े, नेक्स्ट टॉपिक इज मीटर ब्रिज। इसका मैक्सिमम यूज ऐसे ही होगा कि आपको ऐसे दे देंगे और इक्विवेलेंट पूछेंगे, अगर रेशियो सेम है तो आप बीच वाले को हटा देंगे।
मीटर ब्रिज कुछ भी नई चीज नहीं है, बीट स्टोन ब्रिज ही है, बस उसको प्रैक्टिकली हमने अप्लाई किया है, देखते हैं कैसे बनता है। ये आपकी एक वायर है 1 मीटर की, ये वायर आपकी 1 मीटर की वायर है, और ये जो ये आपके वुडन बॉक्सेस हैं, ये और ये वुडन बॉक्सेस हैं, यहाँ पे आपके पास की लगी हुई है जिसके अंदर आप रेजिस्टेंस इंसर्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपने एक रेजिस्टेंस इंसर्ट कर दिया आर, और यहां पे आपने एक रेजिस्टेंस एस इंसर्ट कर दिया। बीच वाले इस की से एक गैल्वेनोमीटर अटैच कर दिया जिसके साथ एक मूवेबल की अटैच की गई है। अब हो क्या रहा है, आप ये देखें जो ये बनाया है ना, ये वाला होल और ये वाला होल, ये इस वुडन बॉक्स के अंदर से ही तार से कनेक्टेड है जिसका रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट जीरो है। क्या कहा, ये वाला होल और ये वाला होल इस बॉक्स के अंदर अंदर में कनेक्टेड हैं, और उस वायर का जिससे कनेक्ट किया है रेजिस्टेंस इज ऑलमोस्ट जीरो। सिमिलरली ये वाला पॉइंट इससे कनेक्टेड है, ये वाला इससे कनेक्टेड है, ये कनेक्टेड है, तीनों एक ही पॉइंट है मतलब ये, और ये वाला पॉइंट इससे कनेक्टेड है। हाँ ये यहाँ पे टच कर रहा है, ये वायर आपके यहाँ टच कर रहा है। और इस केस में आप इसको करंट देते कहां से हैं, बाहर से, कुछ तो बैटरी लगाएंगे। S एक रेजिस्टेंस है, R भी रेजिस्टेंस है, जो आपने इस बॉक्स में लगाया इसको यहां पे लगाया। हाँ जी बताएंगे, अभी बताएंगे। अगर इस तार का रेजिस्टेंस, पूरी तार का रेजिस्टेंस R मान लो, यानी R तो मान लिया, इसको मान लो आप RCM, रेजिस्टेंस ऑफ, या R डैश ही मान लो यार, रेजिस्टेंस ऑफ 1 मीटर वायर इज R डैश, ये R डैश है। अब देखना मैं इसका इक्विवेलेंट डायग्राम बना रहा हूं, इक्विवेलेंट डायग्राम विल बी R, S, और ये मान लें यहां से यहां तक डिस्टेंस L है, तो बचा हुआ कितना हो गया, अगर आप सेंटीमीटर में लिखेंगे तो 100 माइनस L सेंटीमीटर, और ये भी सेंटीमीटर में था। आप देखें इस एंड से यहां तो रेजिस्टेंस है नहीं, यहां से R निकल रहा है, यहां से R निकल गया, नीचे से वायर, यहां से वायर है, तो ये वायर का ही एक पार्ट है जिसकी लेंथ L है, और ये बचा हुआ पार्ट जिसकी लेंथ 100 माइनस L है। बीच में देखें यहां और इस पॉइंट के बीच में एक गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, और आगे आपका रेजिस्टेंस S है, रेजिस्टेंस एस है, और फिर आपने इसको बैटरी के साथ कनेक्ट किया। इक्विवेलेंट डायग्राम समझ में आ रहा है क्या, आ रहा है। अगर पूरी वायर का रेजिस्टेंस आर डैश था, तो मैं निकालना चाहूं इस वायर का रेजिस्टेंस, तो बताएं कितना है। ठीक, इस पॉइंट से एक रेजिस्टेंस तो ये निकल रहा है, आर वाला निकल गया, एक नीचे वायर निकल रही है, तो वायर का कौन सा पार्ट है, ये एल लेंथ वाला। आप कहां गए, उस रेजिस्टेंस को क्रॉस कर लिया, और वायर का हाफ कुछ पार्ट क्रॉस कर लिया, उनके बीच में गैल्वेनोमीटर लगा हुआ, लगा दिया, उसके बाद वहां से एस, और इस वायर को फिर वापस वहां पे जाके मिला दिया उससे।
अगर पूरी वायर का रेजिस्टेंस आर डैश है तो इतने सेगमेंट का कितना रहेगा? आर एल आर डैश बाय, पहले तो 100 करेंगे अगर आप सेंटीमीटर में लिख रहे हैं ना, क्योंकि एल आपने सेंटीमीटर में लिखा है, तो रेजिस्टेंस पर सेंटीमीटर, रेजिस्टेंस पर सेंटीमीटर इज इक्वल टू आर डैश बाय 100, और लेंथ आपकी एल है तो आर डैश बाय 100 इंटू एल कर देंगे, तो ये वाला रेजिस्टेंस आपका हो जाएगा आर डैश बाय 100 इंटू एल। वो वाला कितना हो जाएगा दूसरे वाला? आर डैश बाय 100 इंटू 100 माइनस एल। अब इस मीटर ब्रिज का काम क्या है वो देखें आप एक बार। ये S आपका अननोन रेजिस्टेंस है, और ये R आपका नोन रेजिस्टेंस है। मीटर ब्रिज का एम है किसी अननोन रेजिस्टेंस का रेजिस्टेंस निकालना, तो हमें कुल मिला के S निकालना है। और इन वायर्स अगर फॉर एग्जाम्पल इस मूविंग की को, इसको जोकी बोलते हैं, जोकी मूविंग की को, मैं इसको मूव कराऊंगा और वहां पे लाके रोक दूंगा जहां पे गैल्वेनोमीटर की रीडिंग जीरो हो जाए, है ना। अगर गैल्वेनोमीटर की रीडिंग जीरो नहीं हुई इसका मतलब व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं है, अगर जीरो हो गई इसका मतलब व्हीटस्टोन ब्रिज है, तो जिस लेंथ पे आपकी वो रीडिंग आएगी वहां पे रोक देंगे। तो मान लेते हैं कि इस एल पे 100 माइनस एल पे वो व्हीटस्टोन ब्रिज है, इसके अंदर करंट पास नहीं कर रहा, तो क्या होगा? आर बाय आर डैश बाय 100 इंटू एल इक्वल टू एस आर डैश बाय 100 एल माइनस 100 माइनस एल। आर डैश बाय 100 कटेगा, क्या आ गया आपका? S will be equal to 100 minus L by L into R. आपका R क्या है? नोन रेजिस्टेंस। S क्या है? L लेंथ, हमने यहाँ पे मीटर स्केल लगा हुआ है साथ में, इसके इस वायर के साथ में मीटर स्केल लगा हुआ है, तो जहां पे जो कि लाने से रीडिंग जीरो हुई वो L हमने निकाल लिया और पुट कर दिया, तो L हम एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट करेंगे। टू बी फाउंड आउट एक्सपेरिमेंटली ये सेटअप आपको लैब में मिलेगा, ऐसे वायर लगी होगी, एक रेजिस्टेंस बॉक्स लगा होगा, एक में आप नॉन रेजिस्टेंस डालेंगे, दूसरे में आप अननोन डालेंगे, की को मूव करेंगे, जहां पे रीडिंग जीरो आ गई वहां रोक देंगे, एल नाप लेंगे, न्यूमेरिकल में आपको बता देगा वो कि 20 मीटर पे नल रीडिंग आ रही है, मतलब नल पॉइंट है, जहां पे गैल्वेनोमीटर के थ्रू करंट ना जाए इसको नल पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप अननोन रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। देख ले आराम से क्या करें एक्सपेरिमेंटली। सही लिखा है, सारी अंग्रेजी ठीक है। ठीक है, आप भावनाएं समझे। डन। हाँ जी, क्या करें? लेंथ क्यों बढ़ गया? ये आपका आया आर डैश क्या था? पूरी वायर का रेजिस्टेंस बाय 100 पर सेंटीमीटर आ गया, इनटू एल करना पड़ेगा।
तो इस तरीके से आप एक अननोन रेजिस्टेंस का रेजिस्टेंस निकाल सकते हो। आसान है बिल्कुल, व्हीटस्टोन ब्रिज के ऊपर बेस्ड है, कुछ भी नया नहीं है, सेम चीज है। अब एक टॉपिक बचिए हमारा पोटेंशियोमीटर, फिर चैप्टर डन। तो कल शुरू करें कि आज ही करें? इसके तीन एप्लीकेशन से कल कंप्लीट करेंगे इसको। आप साथ में असाइनमेंट लगाना शुरू कर दें, कुछ ना कुछ। क्या करें? कहीं नहीं मिल रही, ऑनलाइन भी नहीं मिल रही। मंगवा लो यार, तब तक मेरे पीडीएफ यूज कर लो। क्या करें?